आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मिक्सा मोड के ऊपर जो ये डिफरेंट एनिमेशंस पड़ी हैं इनको कंबाइन एक ही कैरेक्टर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ही कैरेक्टर के ऊपर कैसे यूज़ होंगी। तो सबसे पहले कोई डिफरेंट एनिमेशन मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक वॉकिंग एनिमेशन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि मैंने ये ले लिया। और ये आपने ध्यान रखना है कि आप इन प्लेस के ऊपर जो है टिक जरूर किया हो। इससे ये है कि हम जब फ्रेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा इसके एनिमेशन में ना। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, देख लें ये आपकी सेटिंग सही हो, डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह एक और हमको ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये ले लिए, अब ये ले लेते हैं हम, ये स्नेक वॉक है एक, इसको भी हम इन प्लेस कर लेते हैं, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। जो मैंने अभी एनिमेशंस डाउनलोड किए हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ब्लेंडर के अंदर। एक ये हो गई हमारे पास, और इस तरह हम दूसरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देख, ये दोनों हमने डाउनलोड भी कर लिए, इनको ब्लेंडर में इंपोर्ट भी कर लिया। अब जो असल काम है इन दोनों को हम चाहते हैं कि ये एक ही करेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट हों ये दोनों एनिमेशन। ये हम चाहते हैं ये दोनों एनिमेशंस एक ही करेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट हों। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम चाहते हैं ये इसकी जो एनिमेशन है ये इसके ऊपर ही रहे, ये वाली जो एनिमेशन है इसके ऊपर आकर कॉपी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर हमने कॉपी करना है ना। सबसे पहले हम जो जिसको हमने कॉपी करना है उसके हम जाते हैं पोज मोड के अंदर। ठीक है, सारी बोन सेलेक्ट है, नीचे टाइमलाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करके की फ्रेम कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। और अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके चले जाते हैं पोज मोड में। सिंपली इधर जाकर जहाँ पे ये फ्रेम हमने अब इस एंड हो रहे हैं पिछले, उसका थोड़ा सा गैप रख के हमने ये दूसरे फ्रेम जो कॉपी किए थे वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, ये मैं प्ले करूँगा इसको। ये देखिए ये इसमें पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म की जो है मिक्समो के ऊपर एनिमेशंस हैं उनको कंबाइन करके एक ही कैरेक्टर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा आगे भी मूव करे, ये एक ही पॉइंट के ऊपर मूव हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हम पाथ एनिमेशन कर देते हैं, यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर देते हैं जल्दी से। ये देखें अभी दोनों हमारी एनिमेशन जो हैं कॉपी हो चुकी हैं। तो ये थी वीडियो, यहीं तक मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।